हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है टाटा ग्रुप में, अभी मैंने 2 दिन पहले ही एक टाटा ग्रुप की पोस्ट डाल ली थी दोस्तों, बट उससे बिल्कुल डिफरेंट है ये वैकेंसी। इसमें पूरे बायोमेडिकल के, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, CSIT, सबके लिए अलग अलग वैकेंसी दी गई है। आप डिटेल्ड वाइज वीडियो देखिएगा तो तभी आपको पता लगेगा कैसे कैसे आपको फिलअप करना है। इसमें डायरेक्ट हायरिंग है, 2021 पास आउट वाले एलिजिबल है। इसमें डिप्लोमा, बीटेक और बीई तीनों ही एलिजिबल है। पर्टिकुलर मेंशन करके सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल या CSIT, सभी अलग अलग बायोफिकेट करके टाटा ने वैकेंसी दी हुई है। और इसकी स्टार्टिंग सैलरी जो टाटा ने बताई है 42,900 ही है। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होना है, कोई फीस नहीं है। तो दोस्तों, आज वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगी। वीडियो वैसे ही मैं 2 से 3 मिनट की बना रहा हूँ, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कौन कौन से में कौन कौन एलिजिबल है वो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आ पाएगा। जैसे सबसे ऊपर दिखा रहा है सुपरवाइजरी ट्रेनिंग सिविल, सिविल के लिए पहले एलिजिबल है। इसमें डिप्लोमा ही सिविल एलिजिबल है, प्लस बीटेक एलिजिबल है। फ्रेशर्स हैं क्योंकि ट्रेनिंग है तो इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल है। ऐसी ऑपरेशंस में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल तीनों एलिजिबल है, प्लस CSIT भी इसमें एलिजिबल है। ऐसी तीनों में दोस्तों, ये जो सुपरवाइजरी ट्रेनिंग दिखा रहा है इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मतलब सभी ब्रांच एलिजिबल है। जिसमें मैकेनिकल CHP मतलब कोल हैंडलिंग प्रोसेस, मतलब कोल हैंडलिंग, तो वहां मैकेनिकल एलिजिबल है। ऐसे ही दोस्तों सुपरवाइजरी ट्रेनिंग स्टोर्स के लिए, इसमें सब एलिजिबल है। कोई भी डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से किया हो, आप स्टोर्स में डायरेक्ट क्राइटेरिया आपका है और आप बाद में यहाँ पे इंटरनली प्रमोशन करवा सकते हैं। ये वैकेंसी जो इसकी लास्ट जो स्टार्ट डेट है दोस्तों 18/10, मतलब ये दोस्तों क्या है कि ये 18/10 से शुरू होने वाली है, ये अभी शुरू नहीं होने वाली है। क्योंकि पर्टिकुलरली और ये सुपरवाइजरी ट्रेनिंग बिजनेस एक्सीलेंस के लिए दी गई है, तो आपके किसी जानने वाले का हो तो उसका आप जरूर वो कर दे। दोस्तों, इसमें क्या है, फॉर्म तो अभी भरे जाएंगे बट इसकी जो एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसकी रखने वाली जो कर्मचारियों को रखने वाली स्टार्ट है, क्योंकि ये प्राइवेट वैकेंसी है, ये गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं है, इसलिए आप इसको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दे। 18/10 इसकी वो रहने वाली है वैकेंसी, बंपर वैकेंसी है दोस्तों, ऐसी वैकेंसी दोबारा नहीं आती है, इसलिए जल्दी से जल्दी इसको फिलअप कर दे। दोस्तों, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CSIT, और वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें क्योंकि एक या दो वैकेंसी नहीं है दोस्तों, ये 735 वैकेंसी है, मतलब 735 वैकेंसी है। किसी का भी होने का चांस है, बम्पर है दोस्तों। इसमें क्या है कि इसका एग्जाम भी कुछ नहीं होना है, इंटरव्यू भी नाम के लिए होगा अगर आपका इसके मेल आता है तो। और दोस्तों, इसका सबमिट करने का तरीका भी, हाउ टू अप्लाई इन टाटा, दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उसके लिंक और नीचे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आप उसको लिंक ID भी मिल जाएगी, कहाँ कैसे आपको हाउ टू अप्लाई करना है। जो इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फॉर डेली अपडेट के लिए। और दोस्तों, ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं आती। एक और मैं आपको बात बताता हूँ, लास्ट में, सबसे लास्ट में ये लिखा आता है दोस्तों कि मेल जो है, आपका मेल आएगा तभी अप्रूव्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने अपनी तरफ से 100 वो कर दिया है, सबमिट कर दिया है, तो अब वो पहुंच चुका है। डाटा सर्वर होता है, कई बार बाउंस बैक करते हैं, मेल की कैपेसिटी उतनी ही है, दैट्स वाई वो बहुत कम ही ले पाता है। इस वजह से दोस्तों, इसमें देखिए जो लास्ट में दी गई, जैसे मैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, CSIT बता रहा हूं दोस्तों, ये सिविल, ये मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रिकल, तो अलग अलग ब्रांच के लिए मैंने बता दिया है, तो आप जरूर इसमें देख लिए। सिविल और स्पोर्ट्स वाले के लिए सब एलिजिबल है, मतलब हर एक ब्रांच एलिजिबल, पर्टिकुलर कोई भी अलग अलग ब्रांच एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों, इसको जरूर सबमिट करें, वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें, जितना हो सके उतना फॉरवर्ड कर दे, तो आपके साथ साथ किसी और की भी हेल्प हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं जाता है, मेरे पास कुछ नहीं आता है, बट आपके किसी जानने वाले की हेल्प होगी। मैं भी नॉन प्रॉफिटेबल चैनल है दोस्तों, आप टोटली हेल्प करेंगे तो आपका भी अच्छा होगा। दोस्तों, अगर हेल्प नहीं करेंगे तो ऊपर वाला भी देखता है, क्योंकि ऊपर वाले का एक सीधा सा उसूल है, जैसा करोगे वैसे डबल मिलेगा। तो आप अच्छा करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छा मिलेगा, किसी की हेल्प हो जाएगी, आपकी नहीं लगे, दूसरे की मिलने लगे तो आपको वो पूरी लाइफ याद रखेगा। इसलिए आप जरूर शेयर करते, आपके ग्रुप में शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उनसे भी बोलें कि शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, और चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए दोस्तों, उससे आपके साथ साथ हमारा भी मोटिवेट, हम भी मोटिवेट होते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।